अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। अभी जो है वो हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। ग्रॉसरी नहीं लेनी थी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो वही लेने के लिए हम लोग जो हैं वो मार्ट में आ गए थे। और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग को क्या क्या ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेनी है। शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गए थे और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों को कुछ सोप वगैरह लेने थे और बस यही चीज़ें हम लोग को लेनी थी। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो फाइनली कैश काउंटर के पास आ गए थे और अभी हम लोग जो हैं वो बिल वगैरह बनवा रहे थे। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे और यहाँ पर आयशा ने अपने लिए जो है वो टूथब्रश लिया था जिसके अंदर डॉल है, तो ये वो अभी दिखा रही थी कि ये लिया है उन्होंने। इसके बाद खैर हम लोग जब घर पर आए तो वो बड़ी खुश हुई और अपना टूथब्रश जो है वो उन्होंने लिया ही इस तरह इसलिए था कि उसके अंदर डॉल है। तो जी जो ग्रॉसरी मैं अभी लेकर आई हूँ वो मेरी आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम लोग रात के टाइम है, अभी हम लोग कुछ ग्रॉसरी वगैरह करके आए थे, लाइक 8-9 बज रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग कुछ ग्रॉसरी वगैरह करके आए हैं, कुछ घर में कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, लाइक जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो जी यहाँ पर ये जो है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग ले आए थे एक कैनन्स का बॉक्स ले आए थे हम लोग, क्योंकि ये हमारे घर में कोई भी इतने शौक से नहीं खाता है, बस जो मेरा बेटा है वो स्कूल लेकर जाता है ये, तो इसीलिए हम लोग ये कैनन्स ले आए थे। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेकर आई थी मैं कैनन्स का बॉक्स लेकर आई थी, ये जो बड़ा वाला बॉक्स होता है इसका मैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो स्कूल लेकर जाता है ये, और इसमें 43 से लेकर 45 पीसेज हैं नगेट्स के। उसके बाद ये कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह हैं। उसके बाद ये जो है बिग पार्लर का जो टिक्का मैक्रोनी है, ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को और हम लोग अक्सर ये बहुत शौक से बनाते हैं, तो ये लेकर आई हूँ मैं दो बॉक्स। इसके बाद ये कुछ बच्चों की चीज़ है और ये भी बच्चों की चीज़ है। इसके बाद ये मेहरान का अचार मैंगो पिकल, ये बहुत अच्छा होता है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है मेहरान वालों का, तो हम लोग ये भी लेकर आए हैं। और इसके बाद ये यंग्स वालों की जो चॉकलेट ब्लिस है मिल्की कोको स्प्रेड, ये भी लेकर आए हम लोग। और इसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये कुछ कपकेक्स वगैरह थे, कुछ कपकेक्स वगैरह थे, इसके मैंने दो बॉक्स ले लिए थे क्योंकि ये भी मैं बेटे को स्कूल में देती हूँ। और इसके साथ साथ ये दूध का जो है वो कार्टन है मिल्क पैक का। और ये कुछ जो है वो किंग कॉइल हैं ब्लैकी, ये बहुत अच्छा होता है, हम लोग इसको बाहर वगैरह रख देते हैं कारपोर्च में, तो ये लेकर आई थी मैं। और मेरा जो ब्रश है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मैं ये ब्रश भी लेकर आई हूँ ये वाला। इसके बाद ये मेरे हस्बैंड के जो हैं वो बॉडी स्प्रे हैं। और शैम्पू डव का शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, और ये वाला जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है, हेयर फॉल रेस्क्यू, बहुत अच्छा है ये शैम्पू, तो ये भी एक ले लिया था मैंने। कंडीशनर मेरे पास ऑलरेडी था तो वो मैंने नहीं लिया। और इसके बाद ये कोलगेट लेकर आई हूँ मैं। और किंग टॉक्स का स्प्रे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा शाम में हो जाते, तो हम लोग रूम में किंग टॉक्स का स्प्रे कर देते हैं और फिर रूम को हम लोग बंद कर देते हैं, तो ये भी ले लिया था मैंने। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ साइड पे। और इसके बाद ये सोप है सेफ गार्ड का, ये जो है वो मैं पेयर्स का बॉडी वॉश लाई हूँ, ये भी मैं यूज़ करती हूँ और ये भी बहुत अच्छा होता है, तो ये है। इसके बाद
ये किड्स शैम्पू, बच्चों के लिए शैम्पू बहुत अच्छा होता है ये भी, तो मैं ये भी लेकर आई थी। के बाद कुछ और सोप डिटॉल के, ये तो मेरी बेटी ब्रश लेकर आई थी तो उसने पहले ही खोल दिया, गाड़ी में ही खोल लिया था। और फेस वॉश, पॉन्ड्स का फेस वॉश लेकर आई हूँ। ये वाला मैंने जो है पहली दफ़ा देखा वहाँ पे मार्केट में, तो मैंने यही ले लिया, पॉन्ड्स जूस कलेक्शन। तो ग्लो इन अ, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ ये कैसा है इसका, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। ग्लो इन अ फ्लैश और सूद स्मूदन एंड फ्रेश ग्लोइंग स्किन, ये देखें। मैं भी इसको ट्राई करूँगी, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करें। तो ये भी मैंने ले लिया था और बस ये कुछ चीज़ें थी। और उसके साथ साथ ये कोलगेट का टूथब्रश और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें हैं। तो जस्ट हम लोगों ने यही चीज़ें ली, ये उन्होंने मेरे ख़्याल से डिस्पोजेबल रेज़र हैं, तो बस यही हैं। और जी तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हम लोग लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ जो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं पहली बार लेकर आई हूँ, ऑलमोस्ट हर चीज़ें हैं जो ये, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी, ग्रॉसरी नहीं थी ये फुल, थोड़ी बहुत चीज़ें थी तो वही बस मुझे लेनी थी। और इसके साथ साथ मुझे अपने जो फ़ोन है उसके लिए ये इस तरह की लेनी थी, तो मुझे ये भी मुझे मिल गई थी, मैंने ये भी ले ली थी। और बस हम लोगों ने यही कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली। तो यहीं तक था जी मेरा आज का ही छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।